नेर यानी सच जीतू जोसफ डायरेक्टेड फिल्म है जिसमें वो एक बार फिर अपने प्रिय हीरो मोहनलाल के साथ नजर आए हैं। एक ब्लाइंड विक्टिम की कहानी लेकर जहां विक्टिम अपने टच सेंसेस से एक्यूज को आइडेंटिफाई करती है। मोहनलाल एक वकील के रोल में है जिसने एक लंबे समय से प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए वो काला चोगा पहन वापस लौटते हैं। फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा है जो शुरू से ही ये क्लियर कर देती है दर्शकों को कि कौन सही है और कौन गलत। हाँ, एक्यूज पावरफुल है, अमीर है, तो उसके तिकड़मबाजियों को मात देने के लिए और सच को प्रूफ करने के लिए जिन तरीकों का उपयोग किया जाता है वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया है। रीसेंट पास्ट में कुछ फिल्मों में हमने रियल कोर्टरूम सीन देखे हैं, मगर यहाँ निर्देशक ने चिरपरिचित फिल्मी स्टाइल कोर्टरूम और प्रोसीडिंग्स ही दिखाई है। मे बी बिकॉज मोहनलाल एक बड़े स्टार है और फैमिली ऑडियंसेस उनकी फिल्में देखने के लिए भर भर के आती है, तो उनके लिए ये कॉम्प्रोमाइज किया गया है। मोहनलाल जब भी जीतू के साथ आते हैं एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। साथ में प्रिया मणि भी है, जगदीश और सिद्दीक जैसे वेटरन एक्टर्स भी हैं, पर अनस्वरा राजन असारा बहुत ही इंप्रेसिव लगी मुझे। ये अच्छी बात है कि जीतू जोसफ ने दृश्यम के भूत को सर चढ़ने नहीं दिया और लगातार अपने स्टाइल की फिल्में बना रहे हैं बिना इस बात की परवाह किए कि उनकी हर फिल्म को दृश्यम के सेट बेंचमार्क से कंपेयर किया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ दृश्यम का एक रेफरेंस भी है जो बहुत ही फनी है। नेर मल्टीपल लैंग्वेज में डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। नेर को फिल्म की बात की रेटिंग रहेगी 3.5 स्टार्स की।